हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारे पास आ चुका है रियलमी X2। इसे मैंने परचेस करा फ्लिपकार्ट से। ये इंडियन रिटेल यूनिट है, कोई चाइनीज यूनिट नहीं है। और आज की स्टूडियो में करेंगे यहाँ पर इसके अनबॉक्सिंग एंड हैंड्स ऑन रिव्यू, और मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन इनिशियल इंप्रेशन जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो इसी बात पर कर दे रहे वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको रिटेल यूनिट का बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर रियलमी X2 लिखा हुआ है, 64 मेगापिक्सल परफॉर्मेंस एक्सपर्ट वगैरह, नंबर वन क्वालिटी ब्रांड वगैरह लिखा हुआ है। राइट साइड में ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में ब्रांडिंग है, टॉप में लोगो है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 128GB प्लस 6GB वाला वेरियंट मंगाया हूँ, और ये पर्ल ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलता है। सार वैल्यूज मेड इन इंडिया वगैरह लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसे खोल देता हूँ, देख लेते हैं हमें रिटेल बॉक्स में क्या कुछ कंटेंट देखने को मिलता है। तो इसे यहां पर रख देते हैं और खोल देते हैं। और सबसे पहले तो यहां पर बॉक्स पर लिखा हुआ है, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। तो फाइनली रियलमी फैमिली में जो भी लोग यहां पर लेंगे वो आ जाएंगे। और साथ में देख लेते हैं क्या कुछ यहां पर देखने को मिलता है। सो यहां पर ये यह ऊपर से भी खुलता है, ओके दोनों साइड से खुलता है। सो आई बिलीव यहां पर आपको जो है केस, ओके इसे रख देते हैं हम साइड में। तो यहाँ पर आपको जो है बुकलेट, लीफलेट और मैनुअल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है। अगेन बोलूँगा रियलमी वाले जो है केस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का देते हैं, तो कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये ट्रांसपेरेंट रहता तो काफ़ी बढ़िया रहता, ग्रीन कलर में अच्छा दिखता। वैसे मैं आगे आपको जो है केस जो है एक्चुअल फ़ोन पर लगा के बताऊँगा कि ग्रीन कलर में आपको केस के साथ में कैसा मिलता है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा यहाँ पर रियलमी ने केस प्रोवाइड कराया है। चलिए अब डिवाइस को यहां पर निकाल लेते हैं। तो डिवाइस देख सकते हो ग्रीन कलर का है, तो इसे अभी साइड में रख देते हैं। बाकी के कंटेंट हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो है आपको टाइप सी का पोर्ट यहां पर देखने को केबल मिल जाता है। आप देख सकते हो यहां पर टाइप सी है, तो इसे भी रख देते हैं हम साइड में। और चार्जर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ही आपको वुक चार्जिंग देखने को मिल जाता है। और आउटपुट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 30 वॉट की जो है आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है प्राइस पॉइंट को देखते हुए। और यहाँ पर से हम सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर क्यों देते हैं पता नहीं इतना अंदर, तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको जो है सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं, अभी आगे जाके काम आने वाला है। तो ये कुछ आपको बॉक्स में कंटेंट है जो कि आपको रियलमी X2 के साथ में देखने को मिलता है। सो गाइस आ जाते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो कुछ इस तरीके का आपको जो है रैपर वगैरह देखने को मिलता है, तो इसे निकाल देते हैं। और आपको कुछ इस तरीके का जो है पर्ल ग्रीन कलर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त पैटर्न आ रहा है, इसे भी मैं निकाल के साइड में रख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और आपको अब यहाँ पर जो आपको क्लियर लुक देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी यूनिक है, जैसे कि हमें इमेजेस में देखने को मिल रहा है, रियलिटी में उससे बढ़िया यहाँ पर जो है रियल में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रंट से तो यार नॉर्मल रियलमी के जैसे रहते हैं वैसे ही देखने को मिलता है। चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं फिजिकल ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको 6.4 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता आता है। बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है। इतना बढ़िया सी आपको पर्ल ग्रीन कलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रियलमी का लोगो है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो येलो कलर का दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर जो आपको सिम ट्रे मिल जाती है। चले खोल के मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। सो यहाँ पर हम टैप कर देते हैं और आसानी से निकल गए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि आज के फ़ोन में मेरे हिसाब से सारे फ़ोन्स में यहाँ पर रहना ही चाहिए। टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, मेन माइक्रोफोन और 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है। चलिए मैं जल्दी से डिवाइस को बूट अप कर लेता हूँ, जब तक आपको स्पेक्स जल्दी से बता देता हूँ। ये हमारा रियलमी X2 6.4 इंच का, यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। 6GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिल जाता है, एज वेल एज यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वो भी 30W वुक चार्जिंग के साथ में। 64MP का क्वाड कैमरा है, 32MP का सेल्फी कैमरा है, एज वेल एज फाइव आउट ऑफ द बॉक्स वगैरह देखने को मिलता है। तो गाइस ये डिवाइस अभी यहाँ पर सारी परमिशन वगैरह मांग रहा है, तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, पिक्चर सैंपल्स, वीडियो सैंपल्स वगैरह देखता हूँ, उसके बाद मैं जो है अपने ऑनेस्ट इंप्रेशन है आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा।
सो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने जो है Realme X3 को अच्छा खासा यहाँ पर इस्तेमाल करा हूँ। अब मेरे जो इनिशियल इंप्रेशन है इंडियन रिटेल यूनिट को लेके वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं इन हैंड फील और लुक्स वगैरह जो है ओवरऑल पूरा का पूरा आइडेंटिकल है आपको Realme X3 जैसा ही देखने को मिलता है। सिर्फ आपको जो ये जो ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है ना मतलब आउटस्टैंडिंग है एंड आई कैन से 20,000 रुपीज में ये कलर के साथ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइस है यार। इस पर तो मेरा दिल आ गया, आपका आया नहीं आया मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और यार मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर कलर है लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है कि जो स्मजेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर अगर नजदीक से देखोगे आप देख सकते हो तो आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रांसपेरेंट वाला आपको जो केस है वो इस्तेमाल कर लेना, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो स्मजेस से आपका फोन बच जाएगा। बाकी इन हैंड फील की बात करें वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी बढ़िया है, Realme X3 जैसा ही देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर डिवाइस पर आ जाते हैं, तो डिवाइस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। फ्रंट डिस्प्ले एंड डिस्प्ले यार इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से काफी जबरदस्त है, विविड डिस्प्ले और यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। जी हाँ आप देख सकते हो काफी ज्यादा Amazon, Facebook, डेली हंट। चलिए अनइंस्टॉल करके देखते हैं कि भाई अनइंस्टॉल होता है या नहीं होता है, तो ये रिमूव कर देते हैं तो यस अनइंस्टॉल हो जाता है, फेसबुक भी है तो ये भी हो जाता है। तो यहाँ पर से आपको ये भी ऐप ड्रॉवर भी मिल जाता है, आई थिंक यहाँ से हो जाएगा। ओके टैब अनइंस्टॉल, हेलो ऐप अनइंस्टॉल हो गया। तो यस अनइंस्टॉल आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लोटवेयर को कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और स्पीड अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, देख सकते हो अनलॉक वंस अगेन टैब अनलॉक वंस अगेन एक बार टैप अनलॉक, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी फिलहाल के लिए मुझे ये लगा है। अब फेस अनलॉक की अगर हम बात करें तो फेस अनलॉक आप देख सकते हो मेरी सारी उंगली यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं टैप करो कैमरे के पीछे से फेस आप देख सकते हो 1 2 3 तो लॉक स्क्रीन पर जाते साथ यहाँ पर ये खुल जाता है। तो फेस अनलॉक एज वेल एज फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और 100% मेरे यहाँ पर जो है यहाँ पर काम कर रहा था। और अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके जो ऐप ड्रॉवर में तो आपको कुछ इस तरीके का स्टॉक एंड्रॉयड टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सेटिंग्स में चल के आपको बता देता हूँ कि 128 GB प्लस 6 GB वाला मॉडल लेंगे तो आपको कितना स्टोरेज और रैम देखने को मिलेगा एग्जैक्टली में आउट द बॉक्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर स्टोरेज बता देता हूँ, एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो स्टोरेज देखने को मिल जाता है, स्टोरेज अगर मैं आपको नज़दीक से बताऊँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 128 GB में से आपको 116 GB देखने को मिल जाता है और अवेलेबल जो है 114 GB अभी फिलहाल के लिए मिल जाता है। तो 128 GB वाला वेरियंट लोगे तो 114 GB आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा। अब रैम अगर आपको चेक करने के भाई 6 GB 8 GB बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज थे कि भाई कौन सा रैम वेरियंट ले, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर अभी आउट ऑफ द बॉक्स तो रैम आपको नहीं बताएगा। आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और रैम यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले रैम मेमोरी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको टैप कर देना और फिर यहाँ पर अगर आप टैप करोगे सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ तो 6 GB में से लगभग 3.35 GB यहाँ पर आपको जो है फ्री देखने को मिलेगी जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। 8 GB रैम की आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री आपको 3.5 GB के आसपास रैम मिल जा रही है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इसे बोल सकते हो। अब सेटिंग्स में चल के यहाँ पर मैं एंड्रॉयड वर्जन और UI भी आपको बता देता हूँ क्योंकि डिवाइस की मुझे अच्छी नहीं लगी है। आउट ऑफ द बॉक्स आप देखोगे एंड्रॉइड पाई आपको देखने को मिल जाता है और कलर ओएस का भी आप बोल सकते हो 6.1 वर्जन देखने को मिलता है। रियलमी ने प्रॉमिस करा है कि आपको बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड 10 का अपडेट एज वेल एज कलर ओएस 7 का अपडेट मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं तो काफ़ी बढ़िया बात हो सकती थी। चलिए अब जल्दी से मैं यूट्यूब पर आपको एक वीडियो प्ले करके बता देता हूँ और यहाँ पर आपको क्या कुछ क्वालिटी डिस्प्ले की कैसी मिलेगी डीप ब्लैक्स वगैरह वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए साउंड को कर देते हैं कम और आ जाते हैं हमारे डिवाइस की वीडियो क्वालिटी की तरफ। ओके 1080p पे पिंच इन पिंच आउट वाला आपको यहाँ पर फीचर मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो क्वालिटी डिस्प्ले की आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो एमोलेड डिस्प्ले या जो ब्लैक है वो काफ़ी डीप देखने को मिल रहा है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी बढ़िया है, पंची टाइप का आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़बरदस्त है, चिन भी काफ़ी कम है एज वेल एज जो साइड के बेजल्स है वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्प्ले से तो मैं तो टोटली यहाँ पर इंप्रेस हूँ, कैमरे में आपको कैसा दिख रहा है पता नहीं लेकिन जो रियलिटी में जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। चलिए गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको जो है एक ऑडियो यहाँ पर सुना के बता देता हूँ कैसा यहाँ पर जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है।
ओके चलिए। तो गाइस जैसे कि आपने यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी सुने, यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर लाउडनेस इसमें देखने को मिली है। चलिए अब जल्दी से मैं आपको कैमरा के फीचर्स वगैरह बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ कैमरा सैंपल्स बता देता हूँ जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। फोटोस वीडियो पोर्ट्रेट मोड का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, 1x और 2x का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। 5x भी है, एज वेल एज यहाँ पर अगर आप टैप करते हो तो आप अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल से इमेज निकाल सकते हो। नाइटस्केप है, पेनोरोमा है, एक्सपर्ट है, टाइम लैप्स का फीचर है, ऊपर की तरफ HDR है और आपको काफी बढ़िया अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए तो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी आपको सैंपल्स मैं बहुत ही जल्दी बता दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें क्वालिटी की तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम सेटिंग्स में जाके चेकआउट करते हैं। ओके आपका जो है 4K 30 FPS तक के आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो, तो क्या अच्छी बात है। सेल्फी कैमरे की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1080p 30 FPS तक के मैक्स यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए मैं कुछ सैंपल्स आपको बता देता हूँ, क्या जो मैंने इनिशियल जो फोटोज़ वगैरह लिया वो आपको बताता हूँ, जिसके आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर जो इमेजेस वगैरह मैंने लिया हूँ अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर जो ठीक ठाक लग रही है, डिटेलिंग लेवल डिसेंट इनफ है आप बोल सकते हो। थोड़ी बहुत यहाँ पर पंची इमेजेस वगैरह देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप सेल्फी अगर आप देखोगे तो सेल्फी कैमरा अभी फिलहाल के लिए मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। XT के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पर जो स्लाइटली बेटर यहाँ पर लग रहा है, जो कलर टोन वगैरह है जो वो थोड़ा ठीक ठाक अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। तो गाइस अभी अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एक शिकायत रहती है कि भाई जो केस आता है उसमें लगा के बताओ क्या कैसा फिट एंड फिनिश है, तो अब मैं यहाँ पर जो केस को निकाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पर इसमें डाल के बताता हूँ कि जो ये हल्का सी ब्लैक कलर का केस है ना उसमें आपको कैसा मिल जाता है। सो केस यार काफ़ी टाइट रहता है रियलमी ओप्पो वीवो वाले लोगों का, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेजिविटी देखने को मिल जाती है, तो अगर अपने डिवाइस को अगर आप ऐसा भी गिर भी जाता है ना तो डायरेक्ट आपके डिस्प्ले पे नहीं लगेगा, ये थोड़ा वो सेफ कर देगा। बैक्स अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, तो आपका जो कलर तो डेफिनेटली लाइट वगैरह रहेगी तो दिखेगा, अदरवाइज ये आपका जो है नॉर्मल सा सारा छुपा दे रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा इनिशियली आपको ये कवर इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो, वरना आप मार्केट से ट्रांसपेरेंट वाला कोई भी केस परचेस कर लेना बहुत ही अच्छा है। कैमरा हम की बात करें तो कैमरा हम डेफिनेटली ये फोन में देखने को मिलता है, लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो केस देखने को मिल रहा है ये आपके जो कैमरा होम पे इसको बचा लेगा। तो अगर आप ऐसे भी फोन रखते हो ये केस के साथ में तो आपकी जो कैमरा लेंस है या जो कैमरे को जो ग्लास का कवर दिया हुआ है वो आपका खराब नहीं होने वाला है। तो गाइस ये थे मेरे यहाँ पर इनिशियल इंप्रेशन यहाँ पर रियलमी X2 को लेके। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये फोन के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी वीडियोस देखना है, Q&A वीडियो देखना है, कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, फुल रिव्यू, जो भी वीडियोस आपको देखना है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मैं तो सबको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।